साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व। ओके लेट मी टेल व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होता क्या है भाई? अब देखो बेसिकली लोग क्या सोचते हैं, कोई इंसान बहुत स्मार्ट दिख रहा है, कोई गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा बोल रहा है, तो इट्स पर्सनैलिटी। बट मेक यूर माइंड क्लियर, इट्स नॉट ओनली इट्स पर्सनैलिटी। मैं एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ। एक क्लासरूम है, उसमें एक बच्चा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, तो आप उसको देख के क्या बोलते हो? वाओ व्हाट ए पर्सनैलिटी, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना। बट एक इंसान बहुत ही बेकार है, मतलब बहुत भद्दा कह लो, मतलब बिल्कुल बकवास लुक है उस इंसान की, तो उस इंसान को देख के क्या बोलते हो आप? छी कितनी घटिया पर्सनैलिटी है। आई थिंक आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। मीन्स आपने उस बंदे के साथ भी पर्सनैलिटी यूज़ किया जो घटिया था, आपने उस इंसान के साथ भी पर्सनैलिटी यूज़ किया जो बढ़िया था, तो इट मीन्स पर्सनैलिटी तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होती है। मीन्स किसी भी इंसान में अच्छी बातें हैं वो भी पर्सनैलिटी है, किसी भी इंसान में नेगेटिव बातें हैं वो भी पर्सनैलिटी है। मीन्स आपको क्लियर हुआ, कुछ अच्छा है वो भी पर्सनैलिटी है और कुछ गलत है वो भी पर्सनैलिटी है। मीन्स एक इंसान के इंटरनल एक्सटर्नल नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स आंतरिक बाह्य अच्छे बुरे सभी गुण भाई किसी भी इंसान के क्या मेक करते हैं? पर्सनैलिटी। मीन्स अच्छे बुरे नेगेटिव पॉजिटिव सभी गुण मेक करते हैं किसी भी इंसान की क्या? पर्सनैलिटी। अब देखो जो पर्सनैलिटी शब्द है बेसिकली वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है। साइकोलॉजी में भाई बेसिकली जो शब्द है ना या तो ग्रीक लैंग्वेज से निकले हैं या मोस्टली लैटिन लैंग्वेज से निकले हैं। साइकोलॉजी इट्सेल्फ फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, बट पर्सनैलिटी कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा के शब्द परसोना से। ठीक है भाई, पर्सनैलिटी कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा के शब्द परसोना। अब माइंड में आता है ये परसोना क्या है? इसका मतलब होता है ए मास्क या मुखौटा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है? ए मास्क या मुखौटा। अब पुराने ज़माने में क्या था भाई? मेकअप तो था नहीं आजकल की तरह कि एस्टेब्लिश करके इंसान को चेंज कर दो, तो पुराने टाइम में क्या था? एक मास्क पहन लेते थे, जैसे स्टेज पे ड्रामा होते थे तो हम मास्क पहन लेते हैं। जैसे सपोज एक इंसान है राहुल, उसे रावण का मास्क पहना, जैसे ही वो स्टेज पे एंटर करेगा लोग क्या कहेंगे? राहुल आ गया, राहुल आ गया। आई थिंक कोई ऐसा नहीं बोलेगा, सब क्या बोलेंगे भाई? रावण आ गया, रावण आ गया। इट मीन्स उसने मास्क पहन के किसकी पर्सनैलिटी ऑप्ट कर ली? रावण की। और इसी मास्क से परसोना शब्द से क्या निकला है? पर्सनैलिटी। तो बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाएगा भाई, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है? तो आपको ध्यान रखना लैटिन भाषा का। ये किस शब्द से निकला है भाई? परसोना शब्द से। क्लियर। अब भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, मीन्स उसको प्रभावित करने वाले कारक, यदि मैं हिंदी की बात करूँ तो कौन से फैक्टर हैं भाई जिससे किसी इंसान की पर्सनैलिटी प्रभावित होती है? तो यू नो वेल, थ्री मेजर फैक्टर आर देयर। सबसे पहले आप खुद बताइए, आप एक इंसान हो, आप दुनिया में किसकी वजह से आए हो? माँ बाप की वजह से, घर परिवार की वजह से। तो फर्स्ट फैक्टर जो इंसान को अफेक्ट करता है वो क्या होता है भाई? हेरिडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जो इंसान को प्रभावित करता है वो क्या होता है भाई? हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम। अब सेकेंड फैक्टर क्या होता है भाई? चलो पहले फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कोई भी इंसान है बेसिकली तो वो कहाँ से निकलता है भाई? सबसे पहले हेरिडिटी, कहते हैं ना उसके माँ बाप के जीन्स गुण उसके पास है तभी वो इंसान बेटर कर सकता है। तो इंसान का फर्स्ट फैक्टर क्या होता है भाई? हेरिडिटी, या यू कैन से वंशानुक्रम। इंसान का रंग रूप हाइट वेट भार सब कुछ किस पे डिपेंड होता है? हेरिडिटी पे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, इंसान का रंग रूप हाइट वेट भार ये पर्सनैलिटी के किस फैक्टर के अंदर आते हैं? तो भाई किस फैक्टर के अंदर आते हैं? हेरिडिटी के फैक्टर के अंदर आते हैं। क्लियर। अब एक बात आइए, एक बंदे के पास खाली अपने माँ बाप के बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं, क्या वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बना लेगा? इंसान की अच्छी पर्सनैलिटी कब बनती है भाई? जब वो एनवायरनमेंट में निकलता है, मीन्स जब वो वातावरण में मिलता है। जब आप एनवायरनमेंट में आते हो ना तभी आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी बनती है। आप कभी भी देखो अपने घर में बैठे हो इतना नहीं सीख पाते, जब आप बाहर निकलते हो स्कूल में कॉलेज में सोसाइटी में खेल के मैदान में वट एवर यू कैन गो वेयर एवर यू कैन गो, तो मीन्स वट एवर यू कैन डू। तो देखो हर चीज़ के बाद क्या आता है? आप में परिवर्तन आता है। तो मैक्सिमम यदि मैं पर्सनैलिटी की बात करूँ तो कहाँ से बनती है भाई? वातावरण से, मीन्स यू कैन से एनवायरनमेंट से क्या बनती है आपकी भाई? पर्सनैलिटी। सबसे मेजर फैक्टर यदि मैं कहूँ किसी इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है तो वो क्या होता है भाई? वातावरण या एनवायरनमेंट। अब वातावरण में क्या होता है? खेल कूद परिवार घर का विद्यालय का मैदान स्कूल ये सब किस फैक्टर में आते हैं? एनवायरनमेंट।
अब एक क्वेश्चन आता है भाई, इन दोनों की संयुक्त देन, मतलब इन दोनों से मिलके क्या बनी है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, मीन्स हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी किसका मिक्सचर है, तो हम क्या कहेंगे भाई, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की संयुक्त देन क्या होती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट है हर एग्ज़ाम का, DSSB, KV, NVS, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था ये CTET में भी। क्वेश्चन है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीपल एनवायरनमेंट, और दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व इक्वल टू हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। बताइए भाई कौन सा वाला राइट है, प्लस वाला राइट है या मल्टीपल वाला राइट है? सोचो एक सेकेंड कि प्लस वाला सिंबल आना चाहिए या मल्टीपल वाला आना चाहिए। अब देखो बेसिकली बच्चे ये सोचते होंगे, मैंने ऊपर अभी बोला है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की संयुक्त देन क्या होती है भाई किसी इंसान की पर्सनैलिटी, तो प्लस आना चाहिए। बट संयुक्त देन तो होती है भाई, बट होती कैसे है ये आपको देखना है। हेरिडिटी में जो हमारे पास होता है, कहते हैं ना हम वातावरण में जब जाते हैं तो पता नहीं कितने गुना सीखते हैं, बोलते हैं ना बच्चा पैदा होता घर से बाहर निकलता पता नहीं कितने गुना ज्ञान बढ़ाता है। कभी ऐसा नहीं होता हम कॉपी कट पेस्ट करके ज्ञान ले आते हैं, हमारा ज्ञान पता नहीं कितने गुना मल्टीपल होता है जब हम सोसाइटी में बढ़ते हैं। मीन्स संयुक्त देन तो है, बट ध्यान से समझना क्या है भाई, ये मल्टीपल होता है। मीन्स किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी उसकी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। द पर्सनैलिटी इज़ अ मल्टीपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टाइम रिपीटेड इन एग्जाम, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई ये दो फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा एक और फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। ये भी किसी इंसान की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक मीन्स आपके माइंड में, आपके मन में क्या है, मीन्स आपकी रुचि, आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, ये भी तो आपकी पर्सनैलिटी को मेक करते हैं। एक बच्चा तो डॉक्टर है, एक बच्चा खेत में जाता है, एक इंजीनियर है, एक गाँव में पला है, तो हर बंदे का इंटरेस्ट अलग होगा, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होगी। आपका एटीट्यूड है ओपन, किसी का एटीट्यूड है नैरो माइंडेड, तो मीन्स हर इंसान अपना साइकोलॉजिकल भी क्या होता है भाई, अलग अलग पर्सनैलिटी बनाता है। इट मीन्स आपको क्लियर हुआ पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने के 3 फैक्टर्स हैं, वंशानुक्रम, वातावरण एंड साइकोलॉजिकल। पूछा जाए भाई सबसे मेजर कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे वातावरण। क्वेश्चन और किस तरीके से पूछेगा कि खेल का मैदान, पर्यावरण, स्कूल, और एक तरफ लिख देगा रंग, और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा वातावरण से संबंधित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है भाई रंग ये कोई एनवायरनमेंट से नहीं संबंधित है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। या इंडिविजुअल पूछ लेगा, जैसे मैं आपसे पूछूं आदत भाई ये किस फैक्टर में आती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलो सस्पेंस छोड़ देती हूँ, आंसर ही बता देती हूँ। क्वेश्चन आता है आदत किस फैक्टर में आता है। अब देखो बेसिकली बच्चों को लगता है आदत तो साइकोलॉजिकल होती है भाई, मन की होती है। कई सोचते हैं आदत तो हेरिडिटिकल होती है, बट एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, आंसर सामने आ जाएगा। आपका बच्चा बहुत घटिया घटिया आते सीख के आया, तो जब वो घर में आता है तो बेसिकली माँ बाप क्या कहते हैं, पता नहीं किसके साथ खेलता है आजकल, पता नहीं किसके साथ रहता है। इट मीन्स वो जिसके साथ खेलता है, जिसके साथ रहता है भाई, वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है एनवायरनमेंट का, वो पार्ट किसका है वातावरण। तो ध्यान रखना आदत DSSB में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि आदत पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाला कैसा फैक्टर है, तो कैसा फैक्टर है भाई एनवायरनमेंट से संबंधित, मींस वातावरण से संबंधित जो फैक्टर है वो कौन सा है आदत। क्लियर भाई, आगे हमें इसमें और सेक्शंस बाकी हैं, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, इसके बाद हमें है पर्सनैलिटी के सिद्धांत है, और लास्ट सेक्शन है पर्सनैलिटी की विधियाँ, पर्सनैलिटी मेजरमेंट की। बट मैं आगे वीडियो तभी बनाऊँगी जब आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है, आपको यहाँ कुछ सीखने को मिला है, तो आप बोलेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। आई विल कंटिन्यू ऑन ब्लैक बोर्ड दिस वीडियो, इट्स ओनली माय ट्रायल। थैंक यू सो मच।